बात करते हैं हिंदी प्रदेश के एक और राज्य की, बिहार की, जहां जीत के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन किया। इस गठबंधन से कुछ फायदा होगा या नुकसान, ये आपको हम दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स पे। सी वोटर 32 और 8, 32 एनडीए आईएनडीआईए गठबंधन को 8, पीपल्स इनसाइड पोल स्ट्रैट 38-2, सीएनएक्स 35-5 और जी मेट्राइज 37-3, यानी पोल ऑफ पोल्स अगर निकालें तो 36-4 का आंकड़ा। हालांकि यह पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस दिखता है। 39 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी बिहार में। ओनिका जी, आईएनडीआईए गठबंधन जब बड़े जोर शोर से बनाया गया था तो उसके रचयिता माने गए थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को ही आप लोग साथ नहीं रख पाए। अब जो ये आईएनडीआईए गठबंधन है, इसमें और यूपीए में कुछ खास अंतर दिखता नहीं है, कमोबेश वही गठबंधन है, तो बिहार में कहीं ना कहीं वो कमजोर प्रदर्शन दिखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की काम ही यही है, उनका तो हमेशा मुद्दा ये रहा है कि मनी पावर, मसल पावर से आप किसी सरकार को तोड़ें, किसी को ले लें, फिर कहते हम नहीं ले रहे, लोग आ रहे हैं। अरे आप क्यों ले रहे हैं, दरवाजे बंद करिए ना। अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं, इतने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी आरपी सिंह साहब ने कहा हमारे पास बहुत लोग हैं। अरे इतने कामयाब लोग अगर आपके पास हैं, आप सीएम भी बदलते हैं तो कांग्रेस के आरपीएन सिंह और तमाम उन लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है आपको? ऐसा क्या है? आधी कांग्रेस अगर इस तरह से आप देखेंगे तो आपने तो मनी पावर, मसल पावर, ईडी पावर, सीबीआई से ले ली है, तो बचा ही क्या आपके पास? तभी तो आप वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन इलेक्शन, वन रिलीजन की बात नहीं थी। उनका जी नीतीश कुमार जो है वो तो आप लोगों के साथ भी आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको संयोजक तक नहीं बनाया, उनको ठेंगा दिखा दिया। जिस इंडिया गठबंधन की उन्होंने रचना की थी, ऐसी बात नहीं, उसका नाम भी उनको रखने नहीं दिया था, बड़े दुखी होकर के वो लौटे थे। और यही सारी बातें जनता को समझा क्यों नहीं पाते? देखिए, बिल्कुल जनता समझ रही है। देखिए, आप अगर दो चुनाव अगर जीत गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंत ही आप ही का हो गया है। कितने साल, 60 इयर्स कांग्रेस ने भी रूल किया है, तो ऐसा नहीं है। अगर गलती, यू नो, बाय डिफॉल्ट अगर दो बार ये जीत गए हैं, डजंट मीन कि इन्हीं का सब कुछ हो गया है। बार बार कांड की हाथी नहीं चढ़ सकते। 2014 और 19 में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। वहां कांग्रेस 44 सीटों पर और 52 सीटों पर सिमट गई थी। ये ऐतिहासिक था, इतना कम जो खराब प्रदर्शन था कांग्रेस का, ये वाकई ऐतिहासिक था। और अब भी अगर आप लोग जो हैं पुराने तरीके पर ही चलेंगे तो वैसा नहीं होता। देश बदल चुका है, वोटर बदल चुका है, मुद्दे बदल चुके हैं। खैर, हम लौटेंगे आगे, हम देश के दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहां के आंकड़ों पर भी हम आगे बात करते हैं। यहां बीजेपी के लिए पहले जैसा ही हाल बना हुआ नजर आ रहा है। सभी पोल्स एक सुर में 7 की 7 सीटें बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली यहां 7 सीटें हैं। हालांकि बीजेपी को यहां एमसीडी इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वहां पर एनडीए बेहतर प्रदर्शन, क्लीन स्वीप पिछले बार की तरह ही 7-0 का आंकड़ा, और एक मत से सभी जो पोस्टर्स हैं वो ओपिनियन दे रहे हैं कि 7 की 7 सीटें दिल्ली के खाते में जा सकती हैं। मनोज जी, ये क्या मिस्ट्री है कि भाई एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, विधानसभा में जीत जाएगी और लोकसभा में बीजेपी 7-0 से क्लीन स्वीप करती दिख रही है? एक बहुत बड़ा कारण है जिस पे हम लोग सारी चर्चा नहीं करते हैं। दिल्ली के जो वोटर हैं वो कहीं न कहीं बाहरी वोटर हैं, जो बिहार या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश या किसी राज्य से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं। जब यहाँ पे स्टेट का चुनाव होता है तो ये सारे वोटर इसी स्टेट में आपको नजर आते हैं पोल करते हुए, जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, जो गरीब तबका का है, जिनको कहा जाता है झुग्गी झोपड़ी या छोटे वर्ग के लोग हैं, वो जाते हैं। और जहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो पूरे देश में पोल होता है, और ये बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने स्टेट में चले जाते हैं पोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतता है वो पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच। दूसरी बात है कि जो यहाँ के आम वोटर हैं, जैसे पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो जो बड़े वोटर हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, वो ऐसे स्टेट पोल में कम पोल करते हैं, लेकिन जब नेशनल की बात आती है तो आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि ये आंकड़े उसमें नहीं आते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं, लेकिन जो हम लोग जमीन पे देखते हैं उसमें दिखता है कि ये वोटर गायब होते हैं। ठीक है अजीत जी, इत्तेफाक रखते हैं आपके, मनोज जी जो बातें कह रहे हैं यही है या कुछ और मिस्ट्री है? ये स्पष्ट रूप से सही बोल रहे हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली एक लघु भारत है, तो लघु भारत में तमाम प्रदेश के, चाहे साउथ इंडियंस हो, नॉर्थ इंडियंस हो, बिहार हो, यूपी हो, हर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है भारत का पल्स जो है वो रिफ्लेक्शंस करता है। देखिए, अगर
कई बार जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए के ज़्यादातर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से इलेक्ट होते थे, जब बीजेपी की जब भी आती है और जब बहुत ज़्यादा हंग रहा है उस समय भी आप रिफ्लेक्शंस देखिए, आप पिछले 30-35 वर्षों का अगर उठा के देखेंगे रिजल्ट्स तो आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा कि वहां पे जो है ये रिफ्लेक्शंस है पूरे भारत का, क्योंकि ये लघु भारत है, चाहे वो आप इवन अगर बॉम्बे भी अगर जाते हैं तो जो मुंबई का जो 6 सीट है हाँ, तो वहां पे बहुत सारे लघु भारत है वो ना, वहां पे हर जगह हर प्रदेश के साउथ इंडियन भी आपको मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग मिलेंगे, तो वो पूरा एकदम एक मिक्सचर होता है, आपको एक जो है वो मिल जाता है पूरे भारत का जो पल्स रेट है वो आप समझ लेते हैं वहां। Zee News.